मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुमावत ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल वीडियो कमिंग शून रक्षाबंधन पे है, जो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों, सभी मटेरियल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी इसी प्रकार का ट्यूटोरियल वीडियो बनाना सीख सके। तो दोस्तों, चलते बिना देरी के वीडियो एडिटिंग करने के लिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार का ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए आपको कायन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। लेयर को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको मैं एक वीडियो दे रखा हूँ ब्लैक स्क्रीन, आपको उसको एड कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो को एड करने के बाद अब आपको मीडिया पे क्लिक करना है, और आपको सेकेंड वीडियो दे रखा हूँ, आपको उसको भी एड कर लेना है। तो दोस्तों, दोनों वीडियो को ऐड करने के बाद अब आपको इनमें सॉन्ग को ऐड करना है। तो सॉन्ग की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, सॉन्ग को ऐड करने के बाद अब आपको इनमें इफेक्ट को ऐड करना है। तो इफेक्ट के लिए यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपके पास इफेक्ट आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अपने पसंद के इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, और इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है। अब दोस्तों, आपको ब्लैक स्क्रीन पे क्लिक करना है, और आपको इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेना है, और जितनी सॉन्ग की लेयर है आपको इस वीडियो को यहाँ से कट कर लेना है। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ मेरे इफेक्ट ठीक से एड हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे इफेक्ट ठीक से ऐड हो गया है। आपको इसकी वॉल्यूम को कम कर लेना है। अब आपको लेयर पे क्लिक करना है, और आपको ब्लैक स्क्रीन 2 दे रखा हूँ, आपको उसको ऐड कर लेना है। वीडियो को ऐड करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और आपको स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि मेरी वीडियो कैसी एडिट हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से एडिट हो गई है। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको क्वालिटी को सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिटी को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी किसी प्रकार का ट्यूटोरियल वीडियो बनाना सीख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।